ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में नगर निगम चुनाव नजदीक हैं, तो निगम के सदन में ऐसे ही हंगामे की उम्मीद आज की राजनीति में की जा सकती है। नॉर्थ एमसीडी की सदन की बैठक में भी आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सत्तारूढ़ बीजेपी को फिर भ्रष्टाचार के आरोपों पर घेरा। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित एमसीडी ने भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण की आड़ में 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। पक्ष इस पर सदन में चर्चा चाहता था, लेकिन सदन में विपक्ष ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। नेता विपक्ष विकास गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी। आपने आज देखा होगा हाउस का माहौल कि पहले पल से ही भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि हाउस चलाना ही नहीं चाहती। उन्होंने एक पहले दलित महिला ने विरोध किया तो उसको बाहर कर दिया। कांग्रेस कुछ बोलना चाहती थी, उनको नहीं बोलने दिया। भारतीय जनता पार्टी के खुद के पार्षद पर्चे लेके बैठे थे। तो भाजपा जानबूझकर हाउस चलाना ही नहीं चाहती थी। ये जो घोटाले की चर्चा जो हमने उठा रहे हैं, आज हमने इस पे शॉर्ट नोटिस लगाया, शॉर्ट नोटिस का कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस हंगामे में बीजेपी को विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी की निष्कासित निगम पार्षद ज्योति रछोइया के हंगामे का भी सामना करना पड़ा। नांगलोई से निगम पार्षद ज्योति रछोइया ने सदन में आज बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार, दलित और महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। इसके बाद उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। बीजेपी ने ज्योति रछोइया के इन आरोपों को निराधार और बदतमीजी करार दिया। जो नेता चोर है, वो निर्बाध है, उनको अंदर बिठा रखा, उन्हें बाहर निकाल दिया। सब कुछ उलट पुलट कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये उनका तरीका गलत है। ऐसे ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। हमारी निगम पार्षद वीना बिरमानी जी, सीमा जी, और उन्होंने प्यार से समझाया भी, भाई आप चलो एक बार आपने अपना विरोध दर्ज कर दिया, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे कर दे कि सदन को चलने ना दे। इस सब के बीच कांग्रेस भी भला कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस की महिला निगम पार्षद अपने बैग में सब्जी भरकर लाई और सदन में सजाकर बैठ गई। इनकी मांग थी कि साप्ताहिक बाजारों को खोला जाए। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली में सभी प्रमुख बाजार और मॉल खोले जा सकते हैं, तो फिर साप्ताहिक बाजार क्यों नहीं खोले जा रहे। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सबको छूट दे दी, चाहे वो शादियाँ 100 आदमी अलाउड कर दिए, अंतिम संस्कार में कर दिए, जिम सेंटर खोल दिए, स्पा खोल दिए, पिक्चर हॉल खोल दिए, PVR खोल दिए, मॉल खोल दिए, मेट्रो के अंदर 100% उन्होंने सीटिंग अलाउ कर दी, DTC की बसों के अंदर अलाउ कर दी। तो क्या साप्ताहिक बाज़ार वाले जो लाखों की संख्या में हैं या जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका अधिकार नहीं है दिल्ली के अंदर जीने का? उनके परिवार आज बेरोजगार किस तरह भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, इसे देखने की ना नगर निगम को फुर्सत है, ना दिल्ली सरकार को फुर्सत है। सदन की बैठक में बीजेपी पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में रही। बीजेपी स्थायी समिति अध्यक्ष ने ज्योति रछोइया के हंगामे पर कहा कि जो भी पार्टी के नियमों को नहीं मानेगा उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी ही। उनके सभी आरोप बचकाने हैं। क्या अकेली वही दलित परिवार से आती है क्या? कितने हमारे निगम पार्षद हैं? सभी समाज के पक्ष में काम कर रहे हैं ना, और वो भी कर रही थी। कोई एक विषय को लेके अगर ऐसे हंगामा करा जो पार्टी की गाइडलाइन थी उसके अनुसार उसके विरोध में उसने जो है ना काम किया है, तभी तो ऐसा हुआ। नॉर्थ एमसीडी सदन की इस बैठक में किसी भी विषय पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे थे, अपने अपने मुद्दे थे। अब जब नगर निगम चुनाव नजदीक है तो ऐसे हंगामे और भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में सवाल है कि आर्थिक तंगी और कोरोना के असर से बेहाल दिल्ली के विकास की रफ्तार कैसे पटरी पर लौटेगी। जिन्हें जिम्मेदारी दी है उनका हाल तो आप देख ही रहे हैं। शिवानी मोरवाल के साथ चेतन पाठक, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।